मणिपुर में जारी हिंसा के बीच दो छात्रों की हत्या मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। रविवार को सीबीआई ने दो छात्रों की हत्या के आरोप में चार आरोपियों को अरेस्ट किया। इन चारों आरोपियों को सीबीआई की टीम चुराचांदपुर से अरेस्ट कर असम से गुवाहाटी लेकर गई और पहले छह आरोपियों को अरेस्ट करने की खबर आई थी, लेकिन बाद में सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि छात्र की हत्या मामले में चार आरोपी पकड़े गए हैं जिन्हें कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इधर राज्य में रुक रुक कर हो रही हिंसा को लेकर 6 अक्टूबर तक मोबाइल और इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। पूरे राज्य को पहले ही अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है, तो कुकी समुदाय ने बंद का ऐलान किया है जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा है कि एनआईए ने हाल ही में सेमिनलुन गैंगटे की गिरफ्तारी से यह साफ कर दिया है कि मणिपुर की अशांति के पीछे विदेशी साजिश है। जो मणिपुर का प्रेजेंट क्राइसिस जो है, इसको लोग तरह तरह की तरह बोल रहा था पहले कि ये इतनी क्राइसिस है, ये रिलीजियस क्राइसिस है, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्राइसिस है, क्या 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 ब्ला ब्ला, यूरोपियन यूनियन यूएन कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्प्रेड कर रहा था। लेकिन अभी अब तक एनआईए ने ये केस पकड़ने के बाद में एनआईए ने ये प्रेस रिलीज कल ही किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।